नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मॉनसून सत्र में हंगामे की बारिश। एक तरफ सदन में सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ सदन में हर रोज हंगामा हो रहा है। महज पंचम विधानसभा का यह अंतिम सत्र है और महज 6 कार्य दिवस मिले हैं। 6 कार्य दिवस में 3 कार्य दिवस स्थगित हो गए, सदन को स्थगित करना पड़ा। आज चौथा कार्य दिवस था, चौथे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों, लगातार वेल में घुस जा रहे हैं। स्पीकर को भारी मन से कहना पड़ा कि मुझे लगता है विधायक और विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहते। सदन के नहीं चलने से कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी बाधित हो रही हैं। पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाता हूं क्या कुछ रहा है सदन में। 6 कार्य दिवस में 3 दिन हुआ सदन स्थगित, आज चौथे दिन भी सदन में जमकर हंगामा। पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र चढ़ रहा हंगामे की भेंट। जन कल्याण के दावों को अमली जामा पहनाना मुश्किल। वेल में जा रहे सरकार से लेकर विपक्ष तक। विपक्ष का दावा, सरकार भाग रही सवालों के जवाब से। सीएम ने कहा मैं इनके हर सवाल का जवाब दूंगा, इनको सारा जवाब सुनाकर विदा करूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा है, स्पीकर ने भी माना सदन नहीं चलने देना चाहता विपक्ष। विधायक अनंत ओझा ने उठाया नल जल योजना पर सवाल। विधायक के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन का जवाब, गंगा का पानी लेना इतना आसान नहीं। हमारे विपक्षी साथियों को बहुत चिंता, सवालों की बौछार के बीच लगातार खड़े होते विधायकों पर बोले सीएम, इनकी सीट पर लगता है कांटा लगा है, बार बार ये उड़ जाते हैं। मेरे जेल से आने के बाद कांटा ज्यादा ही इनको लग रहा है। सीएम ने दावा कर दिया 6 कार्य दिवस में 3 दिन हुआ सदन स्थगित। चार कार्य दिवस अगर कहें तो शुक्रवार से शुरू हुआ सदन, शुक्रवार को भी स्थगित करना पड़ा, पहला दिन था। उसके बाद सोमवार और मंगलवार को भी सदन स्थगित रहा और आज बुधवार को भी हंगामा जमकर हुआ। हालांकि इस बीच सदन चला उसके बावजूद वेल में सत्ता पक्ष के विधायक से लेकर विपक्ष के विधायक तक उतर जा रहे हैं। नल जल योजना से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर कई तरीके के मामले उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं पर अगर कुछ हो पाया तो 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश हुआ। बस वही एक दिन था जिस दिन थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि सदन में कार्रवाई की गई। सुनाते हैं उस दिन क्या कुछ किसने कहा था। बहुत सारी चिंताएं हमारे विपक्षों को है और इनको लगता है कि इनके जो चेयर है उसमें कांटा आ गया है, नीचे से अध्यक्ष महोदय इसे बैठ नहीं पाते। चिंता से लेकिन चतुराई घट जाता है, सब खड़े हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय, चिंता से चतुराई घट जाता है। और मुझे लगता है जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ उसमें से कुछ ज्यादा ही एक और कांटा चुभ रहा है अध्यक्ष महोदय। खैर, आप, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं सारे आंकड़े बताऊंगा। हमारी बारी आएगी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और बिल्कुल एकदम आपको संतुष्ट करके, मतलब भरपूर संतुष्ट करके हम आपको सदन से विदा करेंगे। आप अस्वस्थ रहें, हमारी बात आएगी, हम बात बोलेंगे। और आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी हमने देखा और आप लोग के जो मनसा है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया है और आपके सभी सवालों को हम लोग एक एक करके नोट कर रहे हैं और एकदम बिंदुवार जवाब भी देंगे। नौकरी से लेकर के, चलिए सिद्ध जी, नौकरी से लेकर के अध्यक्ष महोदय जितने भी इनकी इच्छाएं हैं सारी जवाब देंगे हम। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चिंताएं हमारे विपक्षों को। छठे दिन भी सदन में जमकर हंगामा। अभी अभी आपने सुना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो विधानसभा के अंदर बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे। ये दावा किया है सीएम हेमंत सोरेन ने
कि हर सवाल का जवाब देंगे, कहीं नहीं भाग रही सरकार, हर सवाल का जवाब देगी। लेकिन यह भी साथ ही साथ कह दिया कि हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद बीजेपी को या एनडीए के विधायकों को जरूरत से ज्यादा कांटे चुभ रहे हैं। बार बार उनके खड़े होने पर कह दिया कि इनकी सीट पर लगता है कांटे लगे हैं, ये बार बार खड़े हो जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, अभी तक के सदन चलने के चारों दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर। हर दिन हंगामेदार रहा है, हर दिन सदन में हंगामा हुआ। तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं झारखंड के, जिनके दावे हैं विधानसभा चुनाव नजदीक है, कई दावे लेकर जनता के दरवाजे तक जाएंगे। कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मानसून सत्र में हंगामे की बारिश क्यों हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं विपिन उपाध्याय, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। विपिन, लगातार मानसून सत्र में हंगामे की बारिश हो रही है। विपिन, अगर 6 कार्य दिवस मिले हैं तो उसमें आज चौथा कार्य दिवस आप मान सकते हैं, और कहीं ना कहीं सदन हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। विपिन जी, बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इससे विपरीत 24 साल के झारखंड विधानसभा के इतिहास में अभी एक अजीबोगरीब स्थिति झारखंड विधानसभा के अंदर बनी हुई है। 2:26 में सदन की कार्यवाही स्पीकर ने भारी मन से विपक्ष के आचरण को देखते हुए स्थगित तो कर दी, लेकिन बीजेपी के विधायक अभी भी असेंबली के अंदर, जहां सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक बैठते हैं, वहीं वेल में धरने पर बैठे हैं। बीजेपी विधायकों का ये मांग है कि सदन में आज जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर एक सवाल का जवाब देंगे, तो मुख्यमंत्री आज ही जवाब दे। इसी बात को लेकर बीजेपी के विधायक जब सदन में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन उसी वक्त नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की घोषणा कर रखी थी कि जब तक सीएम अपनी बात का जवाब नहीं देंगे, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अंतिम दिन जब समापन भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अपनी बातों को कहेंगे तो उनकी बातों पर अपनी बात रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई उस वक्त ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि अपनी आपत्तियों को कोई दर्ज करा सकेगा जो सदन के प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकेगा। इसलिए बीजेपी की मांग है कि मुख्यमंत्री जवाब दे। सदन स्थगित हो चुका है, जिस बेल के अंदर जहां बैठे हैं बीजेपी के विधायक वहां की बत्तियां और एसी भी बंद कर दी गई है, लेकिन बीजेपी के विधायक अभी भी वहां पर मौजूद है। तो ये विपरीत स्थिति जो है पहली बार झारखंड असेंबली के अंदर देखने को मिली है कि असेंबली अड़चन हो चुका है, उसके बावजूद जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके विधायक और नेता ओपोजिशन जो झारखंड विधानसभा में है, नेता विपक्ष, वो भी सदन के अंदर मौजूद है और सांकेतिक रूप से इस बात को लेकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी बातों को आज ही रखे, जबकि आज ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि स्पीकर इस मसले पर बीजेपी के विधायकों से बातचीत करें तो कोई बीच का रास्ता निकल कर सामने है। हालांकि आज चौथा दिन था विधानसभा के मॉनसून सेशन का और पहली पाली में आज सदन में प्रश्नकाल हुआ। हालांकि पहला जो सवाल था अनंत ओझा का, वो थोड़ा लंबा खींचा, जिसके वजह से मात्र 2 सवाल ही सदन में आ सके। शून्यकाल की सूचनाएं 25 जो प्रावधान है विधानसभा का वो आज सदन में आई। ध्यानाकर्षण के भी एक सवाल सदन में प्रथम पाली में आए, उसके पहले जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो विधायक प्रदीप यादव ने कल सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने जो स्पीकर की तरफ उंगली दिखाकर बातचीत की थी उसे विधानसभा के अवमानना का मामला बताते हुए नेता विपक्ष पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की गई थी। इस दौरान सदन में चर्चा पक्ष विपक्ष के बीच तार्किक चर्चा देखने को मिली। अंततः स्पीकर ने इस मामले का पटाक्षेप किया इस भारी मन से कि मर्यादा में रहकर सबको अपना आचरण करना चाहिए। सदन की कार्यवाही के दौरान अनंत ओझा का जो सवाल आया था राजमहल
पहल उनके निर्वाचन क्षेत्र में नल जल योजना का, जिसका अंत में जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके विधानसभा क्षेत्र से सटे हुए इलाके का मसला है, इसलिए वो इस चीज को समझते हैं और व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में वो इंटरेस्ट लेकर इसका समाधान करेंगे। इस बीच जब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी की गई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों को कांटा लग रहा है, इसलिए आप अपनी सीट छोड़कर बार बार खड़े हो जाते हैं और मेरे जेल से निकलने के बाद आपको कांटा ज्यादा चुभ रहा है, लेकिन मैं आपकी हर एक सवाल का जवाब दूंगा, आप पेशेंसली मेरी बातों को सुनेंगे। तो वही मुख्यमंत्री का जो उस वक्त का वक्तव्य था उसी को आधार बनाकर दूसरी पाली में बीजेपी ने इस बात को सदन में रखा कि मुख्यमंत्री आज का आज अपनी बातों पर विपक्ष के सवालों का जवाब दें। विपिन, निश्चित तौर पर यह अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आपने ठीक कहा कि 24 साल में यह पहली बार स्थिति है कि अंदर वे एसी और लाइट बंद कर दी गई, उसके बावजूद बीजेपी के विधायक डटे हैं। लेकिन जब सीएम हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि हर सवाल का जवाब देंगे, अभी 2 कार्य दिवस बचे हुए हैं, 4 कार्य दिवस आज तक अगर ले हम तो 2 तारीख तक सदन चलना है, आज 4था कार्य दिवस भी समाप्त हो गया है, पूरे का पूरा सदन लग रहा है, जो स्थिति दिख रही है पक्ष की और विपक्ष की, ऐसा महसूस हो रहा है पूरे का पूरा मानसून सत्र, पंचम विधानसभा का ये आखिरी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। विपिन, लगभग उसी ओर विधानसभा जा रहा है क्योंकि ये संभावित आखिरी सत्र है। अगर कोई विशेष सत्र सरकार आहूत ना करे तो जो विधायी व्यवस्था होती है किसी भी असेंबली की कि 3 सत्र सदन में एक कैलेंडर ईयर में आहूत किए जाते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, क्योंकि शीतकालीन सत्र का समय जब आएगा उस वक्त राज्य में विधानसभा के चुनाव चल रहे होंगे या चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर होगा, तो ऐसे में शीत सत्र आहूत नहीं हो पाएगा, तो ये पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र का इतिहास झारखंड में अब तक कर रहा है कि अंतिम सत्र हंगामेदार होता रहा है और अंतिम सत्र के माध्यम से पक्ष जो है वो अपनी बातों को सदन में रखने की कोशिश करता है, विपक्ष एक मैसेज देने के लिए, एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करता है कि सदन का उन्होंने जनहित को लेकर व्यापक इस्तेमाल किया है। लेकिन जिस तरीके से कहें तो जो झारखंड विधानसभा का परिदृश्य साल 2016 से बदला है, 2016 से लेकर 2019 तक झारखंड विधानसभा सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा था, उसके बाद इधर सदन की कार्रवाई जरूर देखने को मिली लेकिन सदन में अपनी अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से गतिरोध रहा, जो सबसे बड़ा सवाल उठकर आया कि जनहित के जो व्यापक सवाल सदन में आने चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, ऐसे में अगर कोई बचता है तो वो अधिकारी जिनकी वजह से तमाम चीजों में गड़बड़ी होती है, क्योंकि सवाल अगर सदन में आएंगे तो सवाल के दौरान सारी चीजें आएंगी सप्लीमेंट्री सवाल के जरिए, उस पर लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, तो ऐसे में जो कमियां खामियां योजनाओं में विभिन्न सरकार के स्कीम्स में होता है वो पटल पर आने से उसके समाधान की गुंजाइश होती है, लेकिन जब सदन नहीं चलता है सरकार का इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है क्योंकि सरकार का काम सदन में अपनी विधायी कार्य को पूरा कराना होता है, बिल पास कराना होता है, बजट पास कराना होता है, विपक्ष को एक मैसेज देना होता है कि हम जनहित को लेकर सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब सदन में सवाल नहीं आ पाता है तो ये वो सवाल राज्य के करोड़ों जनता का होता है जिसके लिए सरकार काम करती है, जिसके लिए विपक्ष खुद को एक सकारात्मक विपक्ष होने का दावा करता है, तो ऐसे में सदन का नहीं चलना एक दुखद स्थिति जरूर होती है, लेकिन आज जो 4था दिन था सदन चला है, प्रथम पाली में आज सकारात्मकता सदन के अंदर देखने को मिली है और उम्मीद है कि जो बचा हुआ 2 कार्य दिवस है उस दिन सदन में एक महत्वपूर्ण कार्य के मौके पर सवाल जो सदन में आने हैं वो आएंगे और उसका जवाब भी आएगा, जिससे राज्य की बेहतरी की ओर सरकार जो काम करना चाहती है उसकी झलक दिख सकेगी। बिल्कुल विपिन, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 2 दिन कम से कम सदन के भीतर बैठने वाले विधायकों को इतना जरूर याद रहे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आज अगर जनकल्याणकारी योजनाओं को इस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं या पूर्व में जो कार्य किए गए हैं, जो गड़बड़ियां जैसा आप बता रहे हैं जिस तरीके से पटल पर आती है, सदन के पटल पर आती है, तो कई तरीके की खामियों को दूर किया जा सकता है। अब अगर 2 दिन और चढ़ गए हंगामे की भेंट तो उनसे भी कहीं ना कहीं एक तरफ जनता मरहूम हो जाएगी, दूसरी तरफ ये गड़बड़ियां अब चुनाव तक ऐसी ही रह जाएंगी क्योंकि शीतकालीन सत्र भी उम्मीद नहीं है कि इस बार हो पाएगा, विधानसभा चुनाव में चुनाव की भी घोषणा उम्मीद है कि हो जाएगी और उस समय तक विधानसभा चुनाव शुरू भी हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। हंगामेदार मानसून सत्र के बीच एक दिन 29 जुलाई को सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी जबरदस्त हंगामा रहा। हम आपको 29 जुलाई की बाइट सुनाते हैं
किसने क्या कहा था उस दिन? बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जब इसको मार के खत्म कर देंगे। पुलिस में केस दर्ज भी हुआ, वो सारे लोग दुमका के हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, पसलियां टूट गई आदिवासी भाई का। गोपनाथपुर में जो घटना हुआ उसमें सरकार ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां जनरल लोग थे। तारानगर में घटना हुआ, बकरीद के बाद जुलूस निकला था, वो मार करके भगा दिया, कुछ नहीं कहा। इलाही नगर में घटना हुआ, कोई कुछ नहीं बोला, चार परिवार ही अब वहां रह गए हिंदू, बाकी सब लोग पलायन कर गए। गोपनाथपुर के घटना पर भी आदिवासी को विशुद्ध रूप से आदिवासी है, मूलवासी है, सिद्धू कानू जी के वंशज है। गाय बखान में इतनी बड़ी घटना होगी, किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है, देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं, यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग, ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। इनके पास जनता के हित में मुद्दे नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप भी संथाल पना के लोग हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए अध्यक्ष महोदय, आप भी संथाल पना के लोग हैं, हम सब भी संथाल पना के लोग हैं। ये संथाल पना को झारखंड को टुकड़ों में विभक्त करना चाहता है अध्यक्ष महोदय। इनसे पूछिए क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया, क्या झारखंड के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं? तो बार बार बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी महिलाओं का अपमान भी है, ये क्या छवि गढ़ रहे हैं आदिवासी महिलाओं का इस पूरे देश और दुनिया में? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे साथ, हमारे साथ आएगा, कोई भी बाहर से शादी करेगा और हमारा जमीन ले जाएगा, हमारे साथ बच्चा कर लेगा, ये क्या बतलाना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या गढ़ रहे, छवि गढ़ रहे हैं ये अध्यक्ष महोदय? ये अपमान कर रहे हैं और इसको इनों को क्षमा मांगना होगा, इनको क्षमा मांगना होगा, पूरे आदिवासी महिलाओं से क्षमा मांगना होगा। चुनौती देकर उनको बोलता हूँ कि जिस डेमोग्राफी की चिंता आज इनको है, आज बाहरियों को झारखंड में बसाकर इन लोगों ने झारखंड की जो डेमोग्राफी समाप्त की है और उनके पीठ पर खड़े रहे, उसका सवाल कौन देगा? आज ये लोग रांची में बाहरियों को बसाकर मूल झारखंडियों को जंगल में ढकेल रहे हैं और उन्हीं बाहरियों के वोट पर जीत कराने वाले ये लोग आज घड़ियालू वासी हो रहे हैं। कमाल है, सत्ता क्या, सत्ता पक्ष हो क्या विपक्ष हो, सभी हंगामे के मूड में है। भले हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है, सदन आखिरी सत्र है, लेकिन किसी को इतना ध्यान नहीं है कि इस सत्र में कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा सकता था, कई पारित हो सकते थे, कई तरीके की खामियां थी जिनको दूर किया जा सकता था। बहरहाल हम भी बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले दो दिन, दो कार्य दिवस सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक निकल जाए, हंगामे की भेंट ना चढ़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।